श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों, आई होप ऑल आर सेफ एंड सिक्योर एट होम। आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग। तो बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे और कविता शुरू करने से पहले हम थोड़े प्रश्नों के साथ बातचीत करेंगे। बिफोर गोइंग टू रीड द पोयम, आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चन चिल्ड्रन। ओके, तो मेरा पहला प्रश्न है, आसमान में आप क्या क्या देखते हो? वन मोर टाइम आई विल से चिल्ड्रन, आसमान में आप क्या क्या देखते हो? वॉट यू कैन सी इन द स्काई? यस, सूरज तारे, रेनबो। रेनबो यानी इंद्रधनुष चिल्ड्रन। यस, हिंदी में इसको इंद्रधनुष कहते हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, तारे कब दिखते हैं? When we can see the star children, तो तारे रात में ही दिखते हैं। You can see here moon also is there children, moon चंद्रमा, moon यानी चंद्रमा रात में ही दिखता है। और रेनबो कब दिखता है बच्चों? रेनबो बारिश के दिनों में ही दिखता है, लेकिन सूरज हमें रोज दिखता है दिन निकलने के साथ। तो बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे सूरज कहाँ से निकलता है, तो सबसे पहले आपको दिशाएं जाननी पड़ेंगी। बिफोर वी आर गोइंग टू लर्न कविता, वी हैव टू लर्न डायरेक्शन चिल्ड्रेन। ओके, व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर चिल्ड्रेन? Four directions are there children. How many directions are there? Four directions. So first one is Purab. Purab yani east. Second one is Paschim. Paschim yani west. Third one is Uttar. Uttar yani north. Fourth one is south. South yani dakshin. One more time I'll repeat children. Here, four directions are there. चार दिशाएं होती हैं। तो पहला है पूरब, पूरब यानी ईस्ट। दूसरा है पश्चिम, पश्चिम यानी वेस्ट। एंड तीसरा है उत्तर, उत्तर यानी नॉर्थ। चौथा है दक्षिण, दक्षिण यानी साउथ। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यू कैन सी द पिक्चर चिल्ड्रेन। Okay, you can see the sun children. Where is the sun direction? You can see it is opposite to east children. Where it is? It is opposite to east. Yes. So, पूरब अभी आपको clear हो गया होगा कि सूरज पूरब से निकलता है। यहाँ जो चित्र में आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ जो चित्र में आपको दिख रहा है बच्चों, वह पूरब दिशा है और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है। अब आप बताओ चारों दिशाओं के नाम। तो पूरब पहला, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर और चौथा दक्षिण। तो अब आप समझ गए होंगे कि सूरज कहां से निकलता है। अब हमारी पहली कविता है जो सूरज, वो शुरू करेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं? द वन हु राइट्स पोएम्स कॉल्ड पोएट। कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। तो कविता किसने लिखी है? श्री प्रसाद जी ने। तो यहाँ पर श्री प्रसाद जी ने इस पंक्तियों में जो कहा है वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। तो पहले कविता की चार पंक्तियां हम पढ़ेंगे और समझेंगे, यानी फर्स्ट फोर लाइन्स वी आर गोइंग टू रीड। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड। ओके, पूरब का दरवाजा
गोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। वन मोर टाइम आई रिपीट चिल्ड्रन। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। ओके, तो पहले अब हम मीनिंग देखेंगे बच्चों। तो पूरब, पूरब यानी ईस्ट, पूरब यानी ईस्ट, दरवाजा, दरवाजा यानी डोर चिल्ड्रन, दरवाजा डोर, खोल, खोलना यानी ओपन, धीरे धीरे, धीरे धीरे यानी स्लोली स्लोली, धीरे धीरे यानी स्लोली स्लोली। सूरज ऑलरेडी यू नो चिल्ड्रन, सन, सूरज यानी सन, गोल, गोल यानी राउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन मीनिंग विल सी चिल्ड्रन। लाल रंग बिखराता है, लाल यानी रेड, रेड रंग, रंग यानी कलर चिल्ड्रन। बिखराता, बिखराता यानी स्प्रेड, बिखराता यानी स्प्रेड। ऐसे सूरज आता है, ऑलरेडी यू नो द सूरज यानी सन, आता है मीन्स कम्स। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग्स एंड कविता की पंक्तियों को मैं पढ़ के बताऊंगी। पूरब का दरवाजा खोल, तो यहाँ पर कवि कहते हैं सूरज पूरब से निकलता है और निकलते समय पहले आधा दिखता है, धीरे धीरे सूरज गोल। तो निकलते समय पहले आधा दिखता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो बच्चों। ओके, और धीरे धीरे गोल हो जाता है, आगे बढ़ते हुए इसका प्रकाश भी फैलने लगता है। बिखराता, बिखराता यानी स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। तो यहाँ पर कौन से रंग का प्रकाश दिख रहा है बच्चों? लाल रंग का, कौन से रंग का? लाल, रेड कलर। ओके चिल्ड्रेन, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट पैरा। ओके, गाती हैं चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। वन मोर टाइम आई रिपीट चिल्ड्रेन। गाती हैं चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चिड़िया अपने गीत गाने शुरू कर देती हैं। चिड़िया यानी व्हाट चिल्ड्रेन? बर्ड्स। हाँ, चिड़िया गीत गाने शुरू कर देती हैं। वॉट इज मीनिंग चिल्ड्रेन? चिड़िया विल स्टार्ट ची 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 ची, दे विल मेक अ साउंड, ची 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 ची। मोर वो टेहू टेहू करने लगता है और कोयल अपनी मीठी आवाज में गाने लगती है, हु हु। तो ऐसे सुबह होने के साथ पक्षी अपने गाने के साथ उड़ने लगते हैं, उड़ने लगते हैं और खिलती हैं कलियां प्यारी, खिलती हैं कलियां प्यारी। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बगीचे में जो कलियां होती हैं वो सूरज के आने के बाद फूल बन जाते हैं। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, दिन सीढ़ी पर चढ़ता का मतलब बच्चों, दिन, दिन यानी डे, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है।
तो दिन सूरज दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो वैसे वैसे ही सूरज हमारे सिर के ऊपर आ जाता है। आप आसमान में देखना, जब निकलता है तो वह नीचे रहता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वह ऊपर आ जाता है। चिल्ड्रन, ओके, इन दिस पैरा पोएट सेज, व्हेन द सन कम्स ऑल द बर्ड्स स्टार्ट सिंग एंड ऑल द बर्ड्स ब्लॉसम्स। ओके चिल्ड्रन, तो अब हम मीनिंग देख लेते हैं बच्चों। गाती हैं चिड़िया सारे, गाती हैं सिंग्स, गाती हैं सिंग्स, चिड़िया चिड़िया यानी बर्ड्स। चिल्ड्रन, सारी सारी मीन्स ऑल, खिलती हैं कलियां प्यारी, खिलती यानी ब्लॉसम, कलियां कलियां यानी बर्ड्स, प्यारी प्यारी यानी लवली। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, दिन यानी डे। चिल्ड्रन, सीढ़ी सीढ़ी यानी स्टेप्स, ऐसे सूरज बढ़ता है। ओके, सूरज यानी सन, और बढ़ता यानी मूव फॉरवर्ड। ओके, तो इन दिस पैरा अगेन आई से चिल्ड्रन, पोएट सेज व्हेन द सन कम्स ऑल द बर्ड्स स्टार्ट टू सिंग एंड ऑल द बर्ड्स ब्लॉसम ब्यूटीफुली। ओके, लाइक दिस सन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन।